नमो नुवे सौहरियंताणम नमो नुवे सौसुदानम नमो नुवे सौवायरियाणम नमो नुवे सौजायाणम नमो नुवे सौत्रिकावति श्रावणम ओंकारमिंदु संयुक्त नित्यं जयंती योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमोऽ मंगलम कुंकुमारी उजेन्द्रमोऽ सुमंगलम नमः सुमतिस्थानाय स्वानुभूत्यास्ति स्वाय भवाय सर्वाता वो पंद्रहवीं गाथा में आता है ना उपदेश संत मजम पंडित जी उपदेश संत मजम उसका अर्थ अखंड किया है वो विद्यानंद जी की बात झूठी है सुनो तो वे कहते हैं कि उपदेश का अर्थ अमृतचंद्र आचार्य जाने में न आया तो क्या नहीं हम कहते हैं अमृतचंद्र आचार्य को उपदेश संत का अर्थ जान ख्याल में न आया तो लिखा नहीं एक बात उपदेश का अर्थ जैसे आचार्य टीका में दृढ़ सूत्र किया है एक बात और उपदेश संत मजंगन अर्थ ये सूत्र में पंद्रहवीं गाथा आई उसमें आ गया पंडित जी द्रवश्रुत ये शब्दों से द्रवश्रुत है पंद्रहवीं गाथा है ये द्रवश्रुत है द्रवश्रुत में आ गया उपदेश का अमृत चंद्राचार्य वो ख्याल नहीं रहा तो नहीं आया ऐसा नहीं ये उसमें गाथा वही दृढ़ होते है उपदेश संत मजम द्रव सूत्र में भी ये कहा और भाव सूत्र में भी वितरागता भाव शुद्ध उपयोग ये जैन शासन ऐसा कहा द्रव सूत्र में भी ये गाथा ही द्रव सूत्र है पंडित जी उपदेश संत मजम ये गाथा में इस द्रव सूत्र में ही आया इसलिए द्रव सूत्र का अर्थ उपदेश का अर्थ नहीं किया है अमृत चंद्राचार्य है ना द्रव एम नहीं ये में नहीं ये गाथा ही द्रव श्रुत है हम कहना है पंडित जी ये गाथा ही द्रव श्रुत है तो द्रव श्रुत आ गया भाई अने उसका भाव श्रुत तो पसई अपन शुद्ध उपयोग में आत्मा को देखते हैं ये जैन शास्त्री भाव श्रुत हुआ पंडित जी बराबर है समझ में आया तेरी गड़बड़ हो गई बहुत उपदेश नो अर्थ अखंड किया है ये बात ऐसे ऐसे है नहीं समझ में आया अने दूसरी बात एक है रात्रि को प्रश्न हुआ था चंद भाई ना ये प्रश्न उतरवे कि रात्रि को बहुत चला था कि जैसे क्षेत्र का अंत नहीं ये वस्तु स्थिति है ऐसे काल का अंत नहीं शुरुआत कहां से है उसका इस वस्तु का स्वरूप ऐसा है ऐसी द्रव की पर्याय पहली क्या उसका अंत नहीं पहली क्या ऐसे आत्मा में अनंत गुण जो है उसका आखिर का गुण क्या ये है ही नहीं समझ में आया तो इतना द्रव का स्वभाव गुण अमाप है और पर्याय एक समय के भी एक अनंत है भी अमाप है कि अनंत पर्याय एक समय के है तो अनंत 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 में आखिर क्या पर्याय उसमें एक समय में ये भी है नहीं अगर कोई कहे भी इतना बड़ो द्रव क्षेत्र का भाव अमाप ने उसका माप पर्याय ले ले तो विकल्प है उसमें आया समझ में आया ऐसा है नहीं
समझ में आया? वो रात्रि को कहा था, कहना था पवन चित विलास में है, चित विलास है ना, उसमें चौतरीस पाने है। देखो समानता करी निर्विकल्प वस्तु है, विशेषता विशेषपना एक द्रव्य में अनंत 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 गुण, जिसका अंत नहीं, ऐसे विशेष जब समझाते हैं गुरु, और पर्याय एक समय में अनंत, मुदत एक समय की, अनंत पर्याय मत, आ पर्याय आखिर के है, ऐसा है नहीं, अनंत 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 एक समय में हो, ऐसा शीश को प्रतिबोध कीजिए। चिद विलास में है, चिद विलास दीपचंद जी, तब ज्यो ज्यो शीश गुरु के प्रतिबोध को गुण का स्वरूप नियम सार में ऐसा कहा कि द्रव गुण ने पर्याय तीनों का विचार करना है, विकल्प अनावश्यक है। यहां ये कहा कि द्रव गुण ने अनंत अनंत गुण ने अनंत अनंत पर्याय का गुरु जो शिष्य को समझाते हैं, त्यारे गुरु के प्रतिबोध को गुण का स्वरूप जानी जानी विशेष भेद होता जाता है, विशेष उसका भेद ज्ञान निर्मल बहुत हो जाता है। और तब वे शिष्य के आनंद की तरंग उठे। समझ में आया? भगवान आत्मा एक और अनंत 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 क्षेत्र से अंत आ गया इतना में, उन भाव की संख्या की अनंतता का अंत नहीं। और एक समय की पर्याय अनंत में आखिर के है तो एक समय, पर अनंत में आ पर्याय आखिर की ऐसा है नहीं। ऐसा कोई गंभीर गुण धर्म गुण का ने पर्याय का क्षेत्र का ने काल का, ऐसे व्याख्या जैन गुरु करते हैं तो शिष्य सुनने में उसको विशेष भेद ज्ञान हो जाता है, और जानी जानी आनंद की तरंग उठे, तीन समय वस्तु का निर्विकल्प आस्वाद करे। पंडित जी बात है भाई, आ तो गंभीर अलौकिक बात है, आ कोई शास्त्र का एकला शब्द की बात नहीं है। अनंत 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 आत्मा में जो ये विचार की कसौटी में न ले, तब तक अनंत है भले माने, पर अंदर कसौटी में चढ़ावे जब, तो एक वस्तु में अनंत गुण और एक परमाणु में अनंत गुण, जितनी संख्या में एक आत्मा में गुण है, अनंत 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 नो अंत नहीं, ऐसे एक परमाणु में अस्तित्व वस्तुत्व आदि अनंत गुण इतना है कि उसका अंत नहीं, परमाणु इतना। और एक आकाश में भी अनंत गुण है, जितना परमाणु में इतना आकाश में है, और इतना एक आत्मा में है। असंग प्रदेशी में भी अनंत 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 अनंत, एक परमाणु में भी अनंत अनंत, एक प्रदेश में अनंत, प्रदेशी आकाश में अनंत अनंत। समझ में आया? झोला आते झोला, हमारा एक झोला चली गया घनी बार, रात्रि गमे हम करता है, पर व्याख्या में झोला जाओ है, आंख भारी थी रहते, अभी बात में भारी आंखन था है। समझ में आया?
बड़ी समझने की चीज है उसमें। अनंत नावे ही अनंत है, अर्धपुद्गल का अनंत तो अंत आता है क्या, अर्धपुद्गल है ये अनंत का अनंत काल है, पर उसका अंत आता है, अनंत पुद्गल परावर्तन का कभी अंत नहीं। ऐसे एक द्रव्य में अनंत गुण का कोई अंत नहीं, एम आकाश का क्षेत्र का कोई अंत नहीं। जीनी बात से भाई, एक समय में अनंत ही पर्याय ना अंत नहीं, कि आ पर्याय आखिर की एक समय में अनंत, तो अनंत 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 में आखिर की ऐसे अंत नहीं भाई, कोई वस्तु है उनका नहीं पर्याय, तो एक समय के वो तिकाली का, तिकाली का अंत नहीं, एक समय का अंत नहीं। अंतिम परीक्षा पर्याय अनंत अनंत है, अंतिम क्या समझ में आया, अनंत अनंत चौबीस हो जाए तो भी उसका अनंत चौबीस में अंत आ गया आखिर, पर आ तो अनंत अनंत काल कभी आदि है नहीं, अंत नहीं उसका, कभी अंत नहीं शुरुआत नहीं। अंत क्या कौन है क्यों अंत आ गया, तो अंत आ क्यों नहीं, अर्ध पुलिंग परावर्तन अंत काल का अंत आ गया, ये अंत है ना, अंत ये प्रकार का अंत है, ऐसा है दौड़ में पाठ है, ऐसा दौड़ में ऐसा पाठ लिया है कि अनंत में दो प्रकार, अर्ध पुद्गल ये अनंत है पर उसका अंत आ जाता है। मेरा शास्त्र आधार में पड़ा, शास्त्र मतो दिगंबर संतो ही तो गजब काम किया है, अर्ध पुद्गल अंत आ गया, अर्ध पुद्गल एक अंत है, समझ में आया, पर अनंत 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 गुण जो स्वभाव का अंत नहीं भाई, अलौकिक बात है बापा, प्रभुतारी प्रभुतानी पारण मरे, ये अनंत अमाप उसकी ज्ञान पर्याय माप ले लेती है। क्या किया ये ज्ञान की वर्तमान पर्याय अनंत 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 जिसका अंत नहीं उसका माप ले लेती है। अंत क्या आया, अनंत का अनंत का अंत यहाँ ज्ञान आया, अनंत का अनंत ज्ञान आया। बहुत सूक्ष्म बात भाई, समझ में आया, द्रव्यान योग बहुत सूक्ष्म है, ऐसे कोई साधारण अभ्यास से समझा ऐसी चीज नहीं भाई, यानी एक समय के पर्याय में अपन अनंत विभाग प्रतिच्छेद, एक समय के पर्याय में अनंत माइल, एक पर्याय में अनंत विभाग प्रतिच्छेद उसका अंत नहीं, इतना पर विभाग प्रतिच्छेद, क्यों कि एक समय में अंत नहीं ऐसा क्षेत्र का ज्ञान आ गया, अंत नहीं ऐसा काल का ज्ञान आ गया, अनंत धर्म जो है उसका अंत नहीं उसका पर्याय में ज्ञान ख्याल आ गया, समझ में आया, तो ये पर्याय में अनंत 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 सामर्थ्य है। ये सब द्रव्य सूत्र में कहा है, समझ में आया, ये पंद्रहवीं गाथा में जो ये आएगा, जो पसई अपानंग अबध पुठंगनंग यदम अविशेषण संयुक्तम अपदेश संत मजम पसई जन शासन सम, इसका अर्थ कि अमृत मेरा ये अमृत अपदेश का अर्थ किया ही नहीं, ऐसा है नहीं, ये अपदेश संत ने जो सूत्र कहा उसमें ये द्रव्य सूत्र आ गया, समझ में आया जनिया, द्रव्य सूत्र ये है कि जिसमें अपदेश नाम द्रव्य सूत्र उसमें आया, क्या आया कि अबध पश्च है आत्मा, ये उसमें आया है, अरे भाव श्रुत में भी ये आया, उपशुद्ध उपयोग में
कि अबद्ध पश्चात्मा श्रुत उपयोग में आया वो जैन शासन द्रव सूत्र में ये कहा भाव सूत्र रूप प्रणमन हुआ। हा हा समझ में आया ये अपदेश सुन तुम से ये बात है भाई अत्यारे तो कल्पना से अर्थ करके ऐसे न चले भाई। आचार्यों कहते हैं ये तो संतों कहते हैं इसकी वाणी का पार है। ये पानी वाणी में भाव जो कहने में आया है अपार है वाणी का वाणी में भाव देव गुण का भाव वाणी का अपना भाव ये वाणी कहती है। वाणी में द्रव गुण जो भाव वस्तु है ये भाव उसमें नहीं आता पर वाणी जितना द्रव गुण भाव है उसको कथन की शक्ति भाषा की पर्याय में है भाषा की पर्याय में है भाषा की पर्याय में वो अनंत द्रव गुण पर ये या नहीं। अलौकिक बातों से बापू आ तो समझ में आया इसलिए के द्रव सूत्र में भी गाथा ही द्रव सूत्र है तो उसमें भी आ गया है और अमृत चंद्राचार्य ना अर्थ न थी क्या ऐसा है नहीं ये गाथा अपने संत मन की दे आई वो द्रव सूत्र आ गया उसमें। अने जयसन आचार्य ना टीका में चोखा दिया उपदेश इतने द्रव श्रुतम मध्यम द्रव श्रुत ने अंदर आ कहा है। शांत नाम भाव श्रुत अपदेश ए द्रव श्रुत द्रव श्रुत में भी आत्मा अबद्ध स्पर्श कहने में आया है और भाव श्रुत में भी अबद्ध स्पर्श का अनुभव होता है। ये वो मार्ग से भाई है का अर्थ आया है समय शाम दिखा था कल कहना था ना वीर का उसमें आया है कि समय सार व्यवहार को लेकर चलता है और उसका अंतिम लक्षण निश्चय तक पहुंचता है ऐसे है नहीं हमारा लिखा है वीर पत्र आया ना वीर में पत्र कल बता रहा था तो कुछ ले गया था मेरा नहीं मैं तो चिन्ह किया है दूसरा को ले गया है मगना दिलाया क्या किया यहां अपने चलते हैं देखो प्रयार्थी गुरु व्यवहार नहीं को गौण करके असत्यार का यहां आया है बीच में है जीव उसका अनुभव करता है वह पद्रव के भावों स्वरूप परिणमित नहीं होता इसलिए कर्म नहीं होता और संसार से निवृत्ति हो जाती है क्या आया है पंडित जी है ओ क्या किया कि हा आत्मा को अखंड नित्य अनादि निधन है उसे जानने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है, है? परद्रव्यों से उनके भावों से और उनके निमित्त से होने वाला अपने विभावों से अपने आत्मा को भिन्न जानकर परद्रव्य से परद्रव्य का भाव से और परद्रव्य का निमित्त से होने वाला अपना विकार तीन भूत आया है बिन जाकर जीव उसका अनुभव करता है तब परद्रव्य के भावों स्वरूप परिणमन नहीं होता तब राग रूप परिणमन नहीं होता। निर्णीवाद भाई या तो जैन शासन एमा समय सार और उसकी टीका मैं उसका मरम जयचंद पंडित है खोल दिया है। इसलिए कर्म नहीं होता और पर्यार्थिक व्यवहार नहीं को गौण करके पर्याय है
नहीं ऐसा नहीं, पण पर्यायार्थिक नय को गौण करके अभाव करके नहीं, पर्याय को अभाव करके वो तो वेदांत हो जाता है, वस्तु ऐसी है नहीं। पर्यार्थी नय को गौण करके लक्षण छुड़ाने को उसको गौण करके अभूतार कहा है। पर्याय न हो अने गुण भेद न हो तो वस्तु नहीं ऐसा हो जाता है। शुद्ध निश्चय नय को सत्यार्थ कहकर उसका आलमन दिया है। शुद्ध नय का विषय जो ध्रुव त्रिकाली विनायक भाव, उसका आश्रय लेने को आलमन लेने को कहा है, वेद का आलमन छोड़ाने को। पर्याय का आलमन छोड़ाने को पर्याय नहीं है, ऐसा नहीं, पर्याय है, है? वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद जब आत्मा प्राप्त हो गया अंदर में, पीछे उसका आलमन नहीं रहता, वैसे आश्रय करना रहता नहीं। पूर्णानंद की प्राप्ति हुई पर्याय में तो आलमन रहा नहीं, द्रव्य का आश्रय करना रहा नहीं। क्या कहते हैं, जब लग आत्मा पूर्ण पर्याय को प्राप्त हो तब लग द्रव्यार्थिक नय का आलमन लेने को कहा, पर ये आलम्बन से जब पर्याय में पूर्णता हो गई, पीछे द्रव्य का आलम्बन रहा नहीं। आलम्बन तो आश्रय अधूरा था तब आलम्बन रहते थे, पूर्ण हो गया पीछे द्रव्य का आश्रय रहा नहीं तो हो भी पर्याय पूर्ण। अभी बात आता है, जैसे पंडित ने लिखा उसका समझना कठिन लोगों ने। समझ में आया, दिगंबर ना पंडितों पर यथार्थ कहते हैं, हमारे पंडित जी ने ऐसा चर्चा हुई थी ने खानिया में, तो ये लोगों के मुनि आचार्यो ना वचन ही हमारे प्रमाण है, तो आप कहे भाई बधा ने पंडितों ना भी वचन प्रमाण है। पंडित जी कहा था खानिया चर्चा में, एक ही कहने का निकले था, जी सम्यक दृष्टि जीव है उसका कथन बराबर मान है। आचार्यों ना मान है तो पी मुनिया पदमंदा और देरी मुनि है, आचार नहीं है तो उसकी मान नहीं है। ये में ऐसे माने थे नहीं, स्वच्छता है। दिगंबर ग्रस्तों पर संकीति बनारसीदास टोडनमल जी आदि सब आधार समझ आधार लेने का है, उसका शब्द भी सिद्धांत के अनुसार बराबर साधे साथ। समझ में आया, ग्रस्त संकीति बनाया माटिया इन्हा आश्रय लेना नहीं, नहीं वो नहीं आधार, ऐसा है नहीं। सम्यक दृष्टि तो जैसा त्रियंश है ऐसा सिद्ध सम्यक दृष्टि है। भगवान त्रिणलोक नो नाथ अंदर जान दृष्टि में आया, वर्तमान पर्याय में पूर्णानंद का नाथ, लक्ष्य में पर्याय में द्रव्य का सामर्थ आया, सामर्थ आया द्रव्य नहीं। उसकी दृष्टिवान गमेती कहे ये यथार्थ सिद्धांत प्रमाण कहते हैं, है गमेती कहे, गमेती कहे तो यथार्थ कहे, ये कहे गमे ते कहे, उसमें जो गमते हैं यथार्थ ये कहे। यही कहा देखो, शुद्ध नीचे नहीं को सचार कर आलमन दिया, वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद द्रव्य स्वरूप का आश्रय आलमन लिया, जब लग पूर्ण नहीं है तब लग, मन पूर्ण हो गया पीछे आलमन रहता नहीं, पीछे आश्रय लेना रहता नहीं। यही बात भाई, वितराग नो मार्ग, ये दर्शन शुद्धि का मार्ग समझना वो अलौकिक के भाई। समझ में आया,
अरे मैं अभिमान करे थोड़ा घना जाने हमें जाने बापू ए वातु ना वातु कोई अलौकिक है जना ज्ञान ना माफ ना आवे गुण ना उसका माफ कर ले पर्याय बापू ये सम्यक दर्शन की कैसी है। द्रव में गुण का माप नहीं अंत नहीं का आखिर का उसका सम्यक ज्ञान पर्याय अंत ले ले। हा इस सम्यक ज्ञान की पर्याय की कितनी महिमा है पर्याय की। ओ इसका नाम भाव सुख ज्ञान कहने में आता है। पर्याय में महिमा आ रही थी कई रीते पर्याय नो महिमा द्रव से के बच जाते नहीं पर पर्याय में द्रव का महत्व ख्याल आ गया तो सारा द्रव का सारा गुण का सारा लोकालोक का अपने पर्याय में उसका ज्ञान में माप आ गया। एक पर्याय में सारा लोकालोक का ये पर्याय में अनंत ही पर्याय का ये पर्याय में अनंत गुण का ये पर्याय में अनंत द्रव का जीव द्रव कितना कि आदि बिना का काल है अनादि शांत अभी तक का काल उसे अनंत गुणा जीव है। त्रिकाल से अनंत में भागे जीव द्रव की संख्या त्रिकाल समय से अनंत में भागे पर भूतकाल आदि से अंत तक का काल से जीव द्रव अनंत गुणा है। छे अरे जिसकी आदि नहीं काल की इसका अनादि अंत काल उससे अनंत गुणा जीव की संख्या प्रभु द्रव कितना। अने उससे अनंत गुणा परमाणु और उससे अनंत गुणा त्रिकाल का समय और उससे अनंत गुणा एक आकाश का प्रदेश और उसे अनंत गुणा एक द्रव का धर्म गुण। भाई साधारण बात नहीं आ समझ में आया ज्ञानचंद जी तो थोड़ा घना ज्ञान हो जाए धारणा का चल जाने का ओ हमारे मौत हो गया जगत तुम बताओ जगत जाने अरे भैया तुम क्या ये कहा देखो इस कथन से नहीं समझ लेना चाहिए कि शुद्ध नहीं को सत्यार्थ कहा इसलिए अशुद्ध नहीं सर्वथा सत्यार्थ है। पर्याय अशुद्ध द्रव्यार्थिक पर्याय अशुद्ध द्रव्यार्थिक व्यवहार नहीं बिल्कुल झूठ है ही नहीं ऐसा नहीं समझ में आया। ऐसा मानने से वेदांत मत वाले संसार को सर्वथा अवस्तु मानते माया ये कहते हैं कि या मां ये पर्याय ने भेद ये मां नहीं ऐसा हो जाएगा ये माया कहते हैं माया सब माया है पर माया है कि नहीं समझ में आया। वेदांति साथी चर्चा मौत होगी थी मोती बाल जाया परमहंस आया था फिर व्याख्यान आता तो फिर परमहंस हो गया फिर जाया तुम वेदांत वेदांत करते एक रूप तो दुख है कि नहीं अंदर पर्याय में दुख है कि नहीं दुख से मुक्त होना तो दुख है कि नहीं दुख है तो आत्मा में दुख दो चीज हो गई है वेर हो गया और दुख का अभाव होकर सुख आता है ये भी पर्याय में आया तो द्रव ने पर्याय दो हो गया ऐसे न चले कि दुनिया है तो वस्तु का जैसी चीज है ऐसी समझना चाहिए पूछा अधिक ने विपरीत सब मिथ्या भावे समझ में आया। संसार को सर्वथा वस्तु मानते ऐसा सर्वथा एकांत पर आ जाएगा उसे मिथ्या आ जाएगा पर्याय है ही नहीं पर्याय नहीं को असत्यार्थ कहा अशुद्धता को असत्यार्थ कहा भेद को असत्यार्थ कहा तो भेद ने पर्याय है ही नहीं ऐसा है नहीं
वेद भी है और पर्याय भी है। समझ में आया? आवी जेणी बातों पर हमेशा इस प्रकार यह शुद्ध नहीं का आलम्बन वेदांतियों की भांति मिथ्या दृष्टि आ रही गलाया। पर्याय न माने, अशुद्धता पर्याय में है ही नहीं माने, तो वेदांती नहीं पेटे मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। जो है खूबी। इसलिए सर्वनयों की कथन चीज सत्यार्थता श्रद्धांत कर भाषा लिखो। क्या कहते हैं? इसलिए सर्वनयों की कथन चीज सत्यार्थता, पर्याय नहीं की भी सत्यार्थता, द्रव्य नहीं की भी सत्यार्थता है। पर्याय में अशुद्धता ही सत्यार्थ है, पर्याय ही सत्यार्थ है, त्रिकाल भी सत्यार्थ है। विषय की बात करते नहीं तो पर्याय में असत्यार्थ कहा तो ये पर्याय असत्यार्थ नहीं, इतना कहना है। पर्याय है ये तो त्रिकाल नहीं अपेक्षा से है, एक समय का पर्याय को लट छोड़ाने को असत्यार्थ गौण करके असत्यार्थ कहा, पर्याय अभाव करके असत्यार्थ कहा, ऐसा है नहीं। ग्यारहवीं का था सिखा व्यवहार अभूयक तो ग्यारहवीं का था मुह जैन दर्शन प्राण व्यवहार अभूता व्यवहार शब्द पर्याय पर्याय अभूतार्थ कई रीतियां अभूतार्थ उसका लक्ष्य छोड़ाने को गौण करके अभूतार्थ कहा है। पर्याय नहीं है नहीं कह के असत्यार कहा है, ऐसा नहीं। अरे आऊ बधू भाई तारी लीला तो देख तेरा गुण नी पाठ पड़ी अंदर महाप्रभु, छते पर्याय में विकृत अवस्था में दुख है, ये नहीं है ऐसे मानो एकांत हो जाएगा। कथन चीत दिखा सर्वनयो की पर्याय नहीं, द्रव्यातिक नहीं, व्यवहार नहीं, अशुद्ध नहीं, अशुद्ध द्रव्यातिक नहीं, शुद्ध द्रव्यातिक नहीं, कथन चीज सत्यार सबको कथन चीज सत्यार मानना चाहिए। कथन चीज सत्यार्पणा का शुद्धन करने से देखो पहले तो ऐसा कहा था कि द्रव्य का तिकारी का शुद्धन करना वो सम्यक दर्शन है, आई तो ये कहा कि पर्याय में अशुद्धता है, पर्याय है उसका भी ज्ञान रखकर त्रिकाल का आश्रय लेना, उसका ज्ञान छोड़ देना के है ही नहीं, त्रिकाल का आश्रय लेना ऐसा है नहीं। समझ में आया? थोड़ा सूक्ष्म है देवचंद जी। क्या कहते संस्कृत व्याकरण ना ही क्या काम है, ये तो अंतर की बात है बाबा। अंतर ना संस्कार की बात है, संस्कृत की बात है। है सर्वनयों की कोई प्रकार है सत्यार्थ, व्यवहार नहीं, अशुद्ध व्यर्थिक नहीं, पर्याय नहीं, पर है कथनचित पर्याय की अपेक्षा पर्याय है, द्रव की अपेक्षा द्रव्य है। लोगों ने कितना खुलासा किया था? पहले ऐसा कहा कि अभूतार्थ है, तो आई कहते हैं कि व्यवहार भी है, कथन जी भी है, पर्याय अपेक्षा से है, ऐसा ज्ञान करके त्रिकाल का आश्रय लेना, उसका ज्ञान छोड़ दे पर्याय है नहीं तो त्रिकाल का आश्रय नहीं होगा, झूठा दृष्टि होगी उसके। हा समझ में आया गुरिका जी? आ बधु जाणपूर्ण करवू पड़े, न्याय नीलमा फिल्मा धूड़ में कहीं नहीं, न्याय शरीर ठीक नहीं हो तो रखड़े से बाहर, एम लोग कहे
मैंने के क्या कहते हो हर 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 उपनेश्वर एम कह के प्रभु तुम क्या है, मैं तो त्रिकाली हूं पर त्रिकाली का अवलंबन लेने में पर्याय बिल्कुल नहीं है, ऐसा लक्ष्य करके अवलंबन लेने जाएगा सम्यक दर्शन नहीं होगा। समझ में आया? आत्मा में विकार है, ये सत्यार्थ है, कर्म से नहीं। आपको आनंद आ रहा है आशीष बाबा। आया तो प्रभु वेम कहते हैं यहाँ संतों की वाणी में व्यवहार अभूतार्थ कहा तो उसका खुलासा पंडित जी करते हैं कि अभूतार्थ तो की अपेक्षा से कहा, कायम रहने की चीज नहीं, ने कायम रहने की चीज का अवलंबन लेने को पर्याय का रथ छोड़ाने को गौ गौ करके अत्याचार कहा, पर पर्याय नहीं ना शुद्धता नहीं जाए ऐसा लक्ष्य करने द्रव्य का आलमन करेगा नहीं होगा, क्यों पर्याय है इसका तो मान ही नहीं उसने। समझ में आया? अशुद्धता संसार है पर्याय में। समझ में आया? जयचंदी पंडित इतना खुलासा करते हैं, कला ना पंडित ही कोई है। इसलिए सर्वनयो, सर्वनयो में क्या आया? अशुद्ध द्रव्यार्थी विकारी पर्याय मिथ्यात पर्याय आदि है ऐसा लक्ष्य जानना चाहिए, है नहीं पर्याय में मिथ्यात में पर्याय है ही नहीं, तो उसने सब नय का सत्यार्थ माना नहीं। आई बात से बम्बई अभी बात पूछा इस प्रकार श्राद्धवाद की समझ कर, देखो श्राद्धवाद की समझ कर जिन मत का सेवन करना चाहिए, पर्याय शुद्ध है विकार है नयमा लक्ष्य रखकर त्रिकाल का आश्रय लेना श्राद्धवाद का स्वर्ण है। एकांत मानना के द्रव्यज है न पर्याय नहीं, अशुद्धता नहीं, संसार नहीं, विकार आत्मा में नहीं। समझ में आया? एकांत है ये है, एकांत पक्ष नहीं पकड़ना चाहिए। है मुख्य गौण को कथन सुनकर द्रव्य तिकारी को मुख्य करके निश्चय कहा, अने पर्याय अशुद्ध आदि का भेद को गौण करके असत्यार कहा, गौण करके असत्यार कहा, तो सर्वथा एकांत पक्ष नहीं पकड़ना चाहिए। पर्याय नहीं है अशुद्धता जीव में, पर्याय आत्मा में है ही नहीं, संसार विकारी पर्याय जीव के पर्याय में है ही नहीं, ऐसा एकांत नहीं लेना। माया ही कहते हैं अज्ञानी वेदांति, ऐसे नहीं, या मा ये है नहीं, पर या कहते ही उसका अस्तित्व छो गया। समझ में आया? या मा ये नहीं तो ये नहीं तो ये है उसमें आ गया, विकार है राग है संसार। पंडित जी आ है नहीं तो उसमें आ तो आ गया है, आ गया। समझ में आया? मैं आत्मा है नहीं, मैं हूं नहीं, उसमें हूं ऐसा आ गया निर्णय जिसने किया वो आत्मा है।
समझ में आया। भगवान का लॉजिक न्याय बहुत सूक्ष्म है। इस गाथा सूत्र का विवेचन करते हुए टीकाकार आचार्य ने भी कहा है कि आत्मा व्यवहार नहीं की दृष्टि से बद पश्चादी दिखाई देता है, है कर्म का संबंध है, अन्यता है, विशेषता है, राग द्वेषता है, ये इसको पुतार पहले कहता आया है, पर्याय नहीं सही पुतार थे फिर लिखा है। वह इस दृष्टि से सत्यार्थी है, पर्याय दृष्टि से तो ये बद स्पष्ट व्यवहार आदि राग आदि है तो है, ये दृष्टि तो सत्य है। नवरा में धंधो क्यारे नवीन करो ये अशुभ में धंधा है नवराज का, परना पाप आडू करवा आत्मा ने बगाड़वाना रस्ता ना काल में आ के दी सुधारो। ये शुद्ध नहीं की दृष्टि बस प्रसाद जी असत्यार्थ है, पर्याय दृष्टि तो सत्यार्थ है। इस कथन में टीकाकार आचार्य श्राद्धवाद बताया है, अपेक्षा से कहना ये बताया है, टीकाकार को सत्यार्थ ने पर्याय को सत्यार्थ अपेक्षा से कहा है, एकांत मान दे पर्याय अशुद्धता है ही नहीं ऐसा है नहीं, अशुद्धता कर्म ने लेने है ऐसा है नहीं। समझ में आया, अपनी पर्याय के तीक्ष्ण नी योग्यता के कारण से अशुद्धता है। आ हा 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 समाज में समझाई नहीं थी पी व्रत ने तपने करो भक्ति आप पूजाना भगवान ये तो बने राग की क्रिया है ना, पर एक आत्मा स्वरूप नहीं दिखाई। वो कोई धर्म नहीं, धर्म है अधर्म है ये भी है खरा, राग भाव ही अधर्म है ये है खरा पर्याय में। उसको लक्ष्य छोड़ाकर तिकारी का अवलंबन रहे प्रभु, जहां भगवान पूर्ण परमात्मा पदा है उसका आश्रय दिया है, पर्याय को गौण करके अभाव करके दिया नहीं। यहां यह समझना चाहिए कि न ये शुद्ध ज्ञान प्रमाण का अंश है, न ये तो प्रमाण का अंश है, शुद्ध ज्ञान ही प्रमाण है, छे तो शुद्ध ज्ञान पर्याय, भाव शुद्ध ज्ञान ही है तो पर्याय, पर ये पर्याय प्रमाण है, क्योंकि द्रव्य नहीं पर्याय दोनों को जानते हैं तो ये प्रमाण है। ये प्रमाण का अंश नहीं तो प्रमाण का अंश है, शुद्ध ज्ञान वस्तु को परोक्ष बतलाता है, शुद्ध ज्ञान की प्रत्यक्ष अंदर नहीं है, आनंद का भले प्रत्यक्ष हो पर शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष ही नहीं परोक्ष है, इसलिए नहीं भी परोक्ष ही बतलाता है। देखो शुद्ध नहीं शुद्ध ज्ञान का अंश, शुद्ध ज्ञान परोक्ष है तो उसका भेद नहीं शुद्ध ये भी परोक्ष है, शुद्ध दीवार के नहीं का विषय भूत बद पश्चादी पांच भावों से रहित आत्मा चैतन्य शक्ति मात्र, भगवान चैतन्य शक्ति चैतन्य सामर्थ्य स्वभाव रूप। अरे क्या कहते हो, यह शक्ति तो आत्मा के परोक्ष है, वस्तु की शक्ति है तो परोक्ष है, द्रव्य स्वभाव तो परोक्ष है, वस्तु स्वभाव जी है पर्याय में प्रत्यक्ष दिखने में आता नहीं तो परोक्ष है। ये प्रत्यक्ष ये क्या रहे ये तो एक अपेक्षा से प्रत्यक्ष कहेगा, आनंद की अपेक्षा प्रत्यक्ष है ना, शुद्ध ज्ञान नहीं पर की अपेक्षा नहीं ये अपेक्षा प्रत्यक्ष, बाकी तो है तो परोक्ष ही है। प्रत्यक्ष तो अंदर स्वसंवेदन नाम का गुण है, इसलिए उसकी दृष्टि करने से पर्याय में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आता है,
वही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष राज की अपेक्षा नहीं, ये अपेक्षा का है, बाकी तो ये परोक्ष है। ज्ञान प्रत्यक्ष हम देखते हैं, केवल ज्ञान देख कैसे देखते हैं शुद्ध ज्ञान। ये तो आया है क्या अनुभव पचको मोक्ष मार्ग में आया है कि तमें जो परोक्ष कहता हो तो अनुभव ने प्रत्यक्ष है। श्लोक में क्या श्लोक है अश्वस्त्री का, अनुभव पचको अनुभव प्रत्यक्ष है, तुम तो उस ज्ञान को परोक्ष कहते हैं। मोक्ष मार्ग में आया है कि भाई सुन तो सही, कई अपेक्षा से हम परोक्ष कहते हैं, ये नई का ज्ञान जो पूर्ण स्वरूप असंख्य प्रदेशी है ऐसा नहीं देखते हैं। शुद्ध ज्ञान का अंश असंख्य प्रदेश है नहीं देखते हैं, पर वेदन में आनंद आता है ये अपेक्षा है, उसको प्रत्यक्ष भी कहने में आता है। आनंद को दूसरा वेदन अपने में वेदन में नहीं है ऐसा नहीं, ये अपेक्षा प्रत्यक्ष कहा परोक्ष है, शुद्ध ज्ञान परोक्ष है। ये बीजी बात कहती तो शक्ति एट द्रव स्वरूप है, द्रव पर्याय में आया नहीं माटे शक्ति परोक्ष है। हाजी हाजी तो चलते है बात, ये कहा था पहले कहा था कि शक्ति जी द्रव शक्ति रूप है त्रिकाल ही, ये तो परोक्ष है क्योंकि प्रत्यक्ष पर्याय में आया नहीं है। एक बात, दूसरी बात, यह शक्ति तो आत्मा में परोक्ष है ही, क्या कहते हैं चैतन्य शक्ति, चैतन्य सामर्थ्य, चैतन्य स्वरूप ध्रुव, ये तो पर्याय में परोक्ष है, पर्याय में आया नहीं। ये पंडितों ना लखन पर अलौकिक है, नहीं तो गाथा उपाय है, लखन में भी समझने की चीज है। शक्ति तो आत्म प्रमुख है और उसकी व्यक्ति, अरे देखो कर्म संयोग से मति शुद्धादि ज्ञान उपे, अंदर पर्याय में मति शुद्ध ज्ञान पर्याय में है, वो शक्ति तो भिन्न दूर रह गई, अब पर्याय में मति शुद्ध ज्ञान प्रगट पर्याय में है, वह कथन चित अनुभव होने से देखो प्रत्यक्ष रूप भी कहलाती है मति शुद्ध ज्ञान को, मति शून प्रत्यक्ष जो प्रकट है उसको प्रत्यक्ष भी कहने में आता है, वस्तु तो परोक्ष ही है होती का। प्राण ये शक्ति जो तिकाल ज्ञान स्वरूप भगवान सत परम प्रभु, उसकी व्यक्ति जो पर्याय में प्रकट होती है ये मति ने शुद्ध ज्ञान, तो ये मति शुद्ध ज्ञान को कथनचित कई परनी अपेक्षा रखे बिना स्वरूप को जानते हैं, तो त्या प्रत्यक्ष भी कहने में आता है आ अपेक्षा से। पाटणी जी बात तो एवी है, भगवान शू करे प्रभु, आ भगवान तुम इतना बड़ा है कि तेरा पाप अपना, आ और संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान, ये तो छदमस के प्रत्यक्ष नहीं, ये भी परोक्ष है, इसलिए शुद्ध नहीं आत्मा के केवल ज्ञान रूप को परोक्ष कहलाती है। एक लो केवल स्वरूप एक लो, जब तक जीव इस नई को नहीं जानता तब तक आत्मा के पूर्ण स्वरूप का ज्ञान सिद्धांत ज्ञान श्रद्धा नहीं होता, केवल ज्ञान शब्दों की पर्याय नहीं है यहाँ, एक ज्ञान सर्वज्ञ ज्ञान केवल ज्ञान ऐसा पूर्ण स्वरूप, उसको जब लोग न जाने है तब तक नहीं को नहीं जानता तब तक आत्मा के पूर्ण रूप से ज्ञान श्रद्धा नहीं होता। ये पूर्ण स्वरूप जो ज्ञान शक्ति ध्रुव है उसको जब लग न जाने त्या सुधी ज्ञान ने श्रद्धा सच्चा है नहीं, आ हा 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 है
इसने श्री गुरु ने इस शुद्ध नई को प्रकट करके उपदेश दिया है, इस शुद्ध नई को प्रकट करके स्व का आश्रय दिया है, प्रकट करके हो अपने भी पर्याय में शुद्ध नई प्रकट करके पर को प्रकट करने का बताया है। अरे भगवान नी पर्याय भी गंभीर, गुण भी गंभीर, द्रव्य गंभीर, अलौकिक बात है भाई। हाँ एक वाणिया तो व्यापार में घुस गया, नवराज न मले पाप ना धंधा खोजा पुण्य नहीं क्या, तो गुण में पैसा अन्या क्या आता था, तो पुण्य हो तो आता है, पर राग में घुस गया है। आ करूं आ करूं आ करूं तो पंजाबी भाई बने जापानी एम कर जैन धर्म अनुभूति है, पर वाणिया ने हाथ आया वाणिया व्यवसाय में घुस गया है। वाणिया एटले वेपारी, चाहे तो खोजा हो जो भी वेपारी कहने में आते ने कहीं वाणिया नाचे ही वाणिया ऐसे कहीं नहीं व्यापार करे थे वाणिया, तो खोजा मुसलमान वो भी वाणिया कहने में व्यापार करते थे। उसमें घुस गया हमारती राग, ऐसा कल्पना करते करते हो जाए तो कल्पना तुम सपना में भी याद आ रही। अरे ऐसे आत्मा को समझना ये माटी तो निवृत्ति घनी जो है प्रभु, केम के तो विकल्प से भी निवृत्त स्वरूप है, तो फर की निवृत्ति तो स्वरूप है ही, पर फर की निवृत्ति थी हटते नहीं खड़ते नहीं प्रवृत्ति में पड़ा पड़ा पड़ा। तो कहते हैं शुद्ध नई को प्रकट उपदेश दिया है कि बद प्रसादी जित पांच भावों से रहित पूर्ण ज्ञान गण स्वभाव आत्मा को जानकर श्रद्धान करना चाहिए, पर्याय बुद्धि नहीं रहना चाहिए, पर्याय है नहीं ऐसा नहीं, पर पर्याय बुद्धि रहना चाहिए नहीं। आ यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कैसा आत्मा पृथक तो दिखाई नहीं देता, बिना देखे श्रद्धान करना असत श्रद्धान है, उसका उत्तर देखे हुए का ही श्रद्धान करना सो नास्तिक मत है। जैन मत में तो प्रत्यक्ष दोनों प्रमाण माने गए हैं, परोक्ष भी प्रमाण है, परोक्ष भी प्रमाण है, प्रत्यक्ष भी प्रमाण है, परोक्ष भी प्रमाण है, प्रमाण माप करने वाला परोक्ष भी यथार्थ प्रमाण है। समझ में आया हा, तो जी भावार्थ शब्द है एमा सूक्ष्मता लगे है, देखे नहीं देखे हुए का श्रद्धान करना ना सीख बात है। जैन मत में पत्र को दोनों प्रमाण माने कि दोनों प्रमाण है, उनमें से आज्ञम प्रमाण परोक्ष है, आज्ञम प्रमाण ज्ञान हो भाव शुद्ध ज्ञान है, आज्ञम प्रमाण ये ज्ञान उसको भाव शुद्ध ज्ञान आज्ञम प्रमाण ये आज्ञम हो, आज्ञम शास्त्र नहीं, भाव ज्ञान जो है ये परोक्ष है और उसका भेद शुद्ध नहीं है। इस शुद्ध की दृष्टि से शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करना चाहिए, पर्याय है इसका लक्ष्य तो रखना चाहिए, पर बुद्धि छोड़कर द्रव्य की लक्ष्य बुद्धि करना चाहिए। अरे अभी बात हूं मैं मात्र व्यवहार प्रत्यक्ष एकांत नहीं करना चाहिए, बस इतना व्यवहार पर्याय है, गुण गुणी भेद है, पर मात्र व्यवहार का ही पक्ष नहीं करना चाहिए, है उसका ज्ञान करके त्रिकाली का आश्रय करना वो सम्यक दर्शन है। हमें इस शुद्ध नहीं को मुख्य करके कलश कहता है, उसका कलश है वो तो टीका का भावार्थ आया, समझ में आया, उसका कलश कहेगा विशेष।